हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाब दार की रेसिपी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक पैन गैस पर चढ़ा देंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाने के बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च। इसे हम थोड़ी देर चलाते हुए भून लेंगे। इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज। इसी के साथ ही इसमें डाल देंगे 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम। इसे हम थोड़ी देर चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कली और 2 टुकड़ा अदरक। इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। इसमें डालेंगे 2 से 3 कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा डाल देंगे नमक, 1 कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम ढककर पका लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा देंगे, इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बटर। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल देंगे। इसी के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मसाले को अच्छे से चलाने के बाद इसे हम ढककर भूनेंगे जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक, 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। 100 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 500 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में काट लिया है और मसाले के साथ इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब डाल देंगे 1 कप पानी और इसे मिक्स करेंगे। इसे ढककर हम 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। सब्जी बनकर हमारी तैयार है। इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया पत्ता। 2 मिनट इसे पकाने के बाद सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। तो आप फ्रेंड्स एक बार इसे ट्राई जरूर करिए और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।